तौर पर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध ये मंदिर है और भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में ये शामिल है, और ये ऐतिहासिक रूप से भारत के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है और ये अलौकिक आध्यात्मिकता का अद्भुत केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आप सीधे दृश्य यहां पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज यहां पर पूजा अर्चना करेंगे और एक परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, प्रधानमंत्री ने आज यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कोलम बाईपास भी राष्ट्र को समर्पित किया, और प्रधानमंत्री इस वक्त पद्मनाभ स्वामी मंदिर के परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है, ये विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली के रूप में जाना जाता है, और इसका जो निर्माण था त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने कराया था। बेहद एक कह सकते हैं कि भव्य प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आस्था का केंद्र है ये मंदिर, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पर विशेष पूजा अर्चना में अभी हिस्सा लेंगे, और इस मंदिर के बारे में अगर हम बताएं आपको तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं, और इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है, और यहाँ पर क्योंकि भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था है और उसे पद्मनाभ कहा जाता है, और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पद्मनाभ स्वामी परिसर